रात के 9 बज चुके हैं, वक्त भारत एट 9 का है। मैं आपके साथ काविंद्र चौहान। दर्शकों, बीते साल कोविड-19 जब आया तब लोगों को पहले तो इसे समझने में समय लग गया, और जब तक समझ में आया तब तक संभलने में समय लग गया। फिर भी हम इससे लड़े और जीते। लेकिन बीते साल से लेकर अब तक दो चीजें बड़ी तेजी से बढ़ी। एक तो संक्रमण जब बढ़ा तेजी से बढ़ा, और उसके साथ ही एक और संक्रमण था, वो था टिकटॉक। ये चाइनीज ऐप थी, या कहूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर लोग बहुत अच्छा और बहुत खराब कंटेंट, दोनों तरह की चीजें डालने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि खराब कंटेंट या फिर वो क्रिंज कंटेंट वालों की फैन फॉलोइंग रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ती चली गई। इनमें से कुछ लोगों ने इतना कम्युनल हेट्रेड फैलाया जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसको नापना मुश्किल है, जिसकी कोई सीमा नहीं। क्या चाइना अपने देश में इस तरह का कंटेंट अलाउ करता? जवाब है नहीं। खैर, कभी नहीं से देर भली, इस ऐप को भारत में बैन कर दिया गया। लेकिन इस ऐप के चमचे बहुत सारे एक साथ आ गए। हर सोशल मीडिया ऐप पर एक छोटा रिचार्ज टिकटॉक का दिखाई पड़ने लगा। मतलब समस्या खत्म हुई लेकिन जड़ से नहीं मिट सकी। आज मैं इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कुछ सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो आज भी समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, बाल मन में ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जो मन में आता है अपलोड हो जाता है। इनके नाम है सागर पॉप, शादाब खान, मोहित, ये वो लड़के हैं और इन जैसे बहुत से नाम हैं। इन जैसों की बाढ़ आई हुई है। पहले इनका वीडियो देखिए और जानिए ये कैसे वीडियो बनाते हैं। हेलो गाइस, तो ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है और हम इसे प्यार से छक्का बुलाते हैं। तो कितनी आसानी से ये लोग किसी का मजाक उड़ा दे। मतलब क्या इंस्टाग्राम अमेरिका में इस तरह के कंटेंट को अलाउ करता कि वहां पर गोरों और कालों को लेकर इस तरह का मजाक उड़ाते हुए वीडियो डालें? क्या ट्रिपल के कू क्लैक्स क्लैन पर इस तरीके की वीडियोस अलाउ करता? जवाब है नहीं। तो फिर भारत में इस तरह से वीडियो बनाने की आजादी क्यों? हर आजादी क्या भारत में ही दी जाएगी? और हाँ, और एक और चीज, सब भारत सरकार से भी है। यहां पर मेरा सवाल जो है वो सीधा सीधा भारत सरकार से भी है कि आखिर कब तक इस तरह के लोग इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे और हम इनको इग्नोर करते रहेंगे। भारत में आज के दिन 2 करोड़ से ज्यादा लोग एलजीबीटी कम्युनिटी से आते हैं, तो ऐसे में सवाल है कि क्या इन 2 करोड़ लोगों का मजाक उड़ाना बिल्कुल नॉर्मल है? क्या मिलियन व्यू वाले ये लड़के किसी का भी मजाक बना सकते हैं? क्या इनको कोई वीटो पावर मिला हुआ है? इन लोगों से मेरा एक सवाल कि क्या आप जो टूथपेस्ट यूज करते हैं क्या वो ये लोग यूज नहीं करते? क्या आप जिस तरह से खाना खाते हैं ये लोग नहीं खाना खाते? क्या जिस तरह से आप लोग हंसते या रोते हैं ये लोग नहीं रोते? क्या जिस तरह से आप लोग भावुक होते हैं ये नहीं हो सकते? क्या आपके इमोशंस हैं इनके नहीं हो सकते? अगर हो सकते हैं तो इस तरह का मजाक क्यों? जब पूरी दुनिया इस सोच, इस मानसिकता के खिलाफ लड़ रही है, तो ये लोग जिनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, जो मिलियंस फॉलोअर्स तक पहुंचते हैं उनकी रीच, इस तरह की आजादी इनको कब तक मिलती रहेगी? जो लोग भी इस आइडिया के साथ जीते हैं कि ट्रांसजेंडर इंसान नहीं है, उनको कुछ ही मिनट में साइकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करा लेना चाहिए। और जो लोग ये सोचते हैं कि इन सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो ये ठीक भी हो सकते हैं। तो समझिए, मेजॉरिटी जरूरी नहीं ठीक बात कहे। अगर ऐसा होता तो सती प्रथा को मेजॉरिटी का सपोर्ट नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज भी हरियाणा में चाइल्ड मैरिज को मेजॉरिटी का सपोर्ट नहीं होता। इसलिए सोच को खत्म करने का समय आ गया है। दर्शकों, बीते साल भी हमने एक ऐसा वीडियो देखा था जहां पर एक टिकटॉकर एक वीडियो बनाता है और उसमें एसिड अटैक को दिखाता है। वो दिखाता है कि कैसे अगर लड़की आपके प्रपोजल को मना करती है, एक्सेप्ट नहीं करती, तो एसिड अटैक करो। ये क्रिमिनल कंटेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों को मिलियन लोग सपोर्ट करते हैं। ये हाई टाइम है कि हम देश में बेरोजगारी, महंगाई, गुड गवर्नेंस के साथ ही गुड माइंडसेट की भी बात करें। ये हाई टाइम है दर्शकों कि हम मोरालिटी के साथ मेंटेलिटी की भी बात करें। यही हाई टाइम है कि हम अपने बच्चों के लिए टाइम स्पेंड ऑन स्टडीज के साथ ही टाइम स्टडीज ऑन मोबाइल की भी बात करें। ये जो टाइम स्पेंड ऑन स्टडीज के साथ टाइम स्पेंड ऑन मोबाइल की हम बात कर रहे हैं, इसके साथ भी और बात होनी चाहिए। तो हम अपने बच्चों के लिए ये जो टाइम स्पेंड ऑन स्टडीज के साथ टाइम स्पेंड ऑन वीडियोज,
ऐसे वीडियोस, उस पर भी बात करें। हाई टाइम है दर्शकों कि हम अपने यंग जनरेशन को बताएं कि महात्मा गांधी को फॉलो करने का मतलब क्या है और किसी क्रिंज कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करने का मतलब क्या है। हाई टाइम है कि हम साथ खड़े हों और ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता, ऐसी दिमागी गरीबी, ऐसी फूहड़ता के खिलाफ एक साथ आए और ऐसे लोगों का एक साथ मिलकर विरोध कर, क्योंकि सिर्फ ये यंग हैं, ये लड़के हैं, इस तरह की चीजों से इन चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। कि क्या इस तरह की चीजों को इग्नोर कर सकते हैं जहां पर एक कंटेंट फेक न्यूज की आड़ लेकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है और वो उनके मोबाइल तक पहुंचता है और वो फिर एक दंगे की शक्ल लेता है। क्या इस तरीके के कंटेंट को कभी भी अलाउ किया जा सकता है? सवाल का जवाब साफ एक शब्द में, नहीं। तो जब ऐसे कंटेंट को अलाउ नहीं किया जा सकता तो फिर ऐसे कंटेंट को अलाउ क्यों करना कि जो समाज में फुहड़ता फैला रहा हो, जो समाज में इस तरीके की मेंटेलिटी को, इस तरीके की गंदगी को लोगों के जहन तक जाने का रास्ता दे रहा हो। सवाल का जवाब आपके मन में इस सवाल के साथ तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।